शांति। आज के मुरली का सार है जो मुरली 11 दिसंबर 2020 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है, यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। फिर बाबा ने प्रश्न कहा है, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनकी निशानियां क्या होंगी? इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि उनकी निशानियां क्या होंगी? तो उत्तर है, वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे, दूसरा क्रोध नहीं करेंगे, तीसरा किसी को भी देह दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे, चौथा स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे, पांचवा किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे। गीत है, जले जले ना क्यों परवाना। पर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार बताया है, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना। हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारणा धारणा करना है। दूसरा है, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है, आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कर्म इंद्रिय चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। वरदान है, अटेंशन रूपी ग्रत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बाप बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे, जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना, इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो, जैसे कल का स्लोगन था कि साधना साधना जो है वो बीज है और जो साधन है वो विस्तार है, इसलिए आपका बीज साधन के विस्तार में छिपे नहीं। और आज बाबा ने कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति।